हेलो दोस्तों, फ्यूचर सक्सेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक नया ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स आइटम्स इन जीएसटी, मतलब कि आप किसी भी आइटम को आप सेल करते हैं तो उसमें आप उसका जो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यह वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रेगुलर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर ऑफिस पैकेज या फिर फोटोशॉप वगैरह के जो अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज का ट्यूटोरियल शुरू करता हूँ। तो इसमें देखिए, मैंने लिया है कि सेल्स आइटम इन जीएसटी किस तरह से निकाला जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको डेमो के लिए मैंने यह शीट तैयार करके रखी हुई है। तो जो मैं ये शीट तैयार करूँगा यह कैसा है, अगर आप इसको बोलिए किस तरह से बनाया जाता है, तो मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, एक दो तीन चार पाँच टोटल पाँच तरह के मैंने आइटम्स शो किए हैं आपको यह डेमो दिखाने के लिए। तो फैन, रेडियो, टीवी, एसी, कीबोर्ड यहाँ पर मैंने लिए हैं और इसको मैंने सेल करने का क्वांटिटी लिया है और इसका मैंने एक अपने हिसाब से मैंने रेट यहाँ पर लग दिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका आप जो जीएसटी के साथ में कितना इसका पेमेंट होगा, यानी कि कितना पार्टी को अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको वो कितना देगा, वह किस तरह से निकाला जा सकता है। सपोज़ यहाँ अगर फ़ैन 1500 रुपये का रेट है तो इसमें मैंने 12% का जीएसटी चार्ज किया है। तो ये जो 12% का जो जीएसटी है, मैंने देखिए यहाँ पर मैं एक्यूरेट में नहीं जानता कि फ़ैन में कितनी परसेंट सेल्स जीएसटी लगती है, बस मैंने यह यहाँ पर एक डेमो रूप से मैंने आपको दिखाने के लिए बस ले लिया है। तो जो फ़ैन है, मैंने 4 फ़ैन एक पार्टी को सेल किया। अब उस पार्टी को सेल करने के बाद में उसको 12% जीएसटी के साथ में किस तरह से हम लेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं अभी जो भी फार्मूला मैं लगाऊंगा, मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और इसका थियोरेटिकली जो होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वहाँ से भी जा करके आप उसको लिख करके किसी कॉपी पर आप बाद में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वीडियो जो मैं शुरू करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखिए दिखाता हूँ कि जो फैन 4 हैं उसका रेट 1500 है। तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको इक्वल का साइन देना है और इक्वल का साइन देने के बाद में आपको जो क्वांटिटी है इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई का साइन देना है और जो फैन का जो रेट है उसको वो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, E5 यानी फ़ैन का जो क्वांटिटी है 4 वह आ गया और F जो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर F5 यानी इसका रेट आ गया। तो इसको फिर यहाँ पर से इक्वल करने के बाद में एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6000 टोटल, यहाँ पर 6000 हो गया। तो अब इसके बाद में यह जो बाकी रेडियो, टीवी, एसी, कीबोर्ड सब उसी तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर से इसको बस ऐसे करके जो प्लस का आइकॉन आता है इसके बाद में सीधा इसको ड्रैग कर देंगे, तो यह हमारा यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि इसको जीएसटी में कैसे निकालेंगे। तो देखिए, फिर से यहाँ पर हम इक्वल का साइन देंगे। इक्वल का साइन देने के बाद में जो टोटल है, यानी कि यहाँ पर जो G5 जो टोटल है 6000 वो आ गया। इसके बाद में हमको करना क्या है, हमको करना है इसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन आपको देना है और टोटल 12% जीएसटी है, तो यानी 12, अब 12 डिवाइड 100, ठीक है, और इसके बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर 720 रुपये, यानी कि टोटल 6000 का 12% होता है 720 रुपये, तो यह यहाँ पर आ गया। इसके बाद में वापस इसको यहाँ से ड्रैग कर देना है, तो यह हमारे जीएसटी अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर पेमेंट निकालना बाकी है। पेमेंट जो होगा, मतलब कि हमारा टोटल अमाउंट है प्लस जीएसटी है, इसको मिला करके जो हमारा टोटल यहाँ पर 6000 है या 12% जीएसटी मिला करके हमारा कितना होगा। तो फिर यहाँ पर से सिंपल है, हम लोग इक्वल का साइन देंगे। इक्वल का साइन देने के बाद में हम टोटल, और इसके बाद में जो यहाँ पर आपको प्लस करना है, देन प्लस आपको ये वाला, और इसको यहाँ से एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट आ गया और इसको यहाँ पर से सीधा आपको ड्रैग कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर से आपका यह टोटल अमाउंट निकल के आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरे तरह से सम करूँ, मैं इसको यहाँ से जोड़ूँ कि कितना हुआ, तो इसके लिए आपको देखिए सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है, इक्वल देना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है सम। सम का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो सम का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया। इसके बाद में आपको यहाँ से करना है ब्रैकेट को ओपन और इसको यहाँ से क्लिक करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको आना है और इसको बस सीधा यहाँ से पकड़ करके आपको इस तरह से ड्रैग कर देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है और फिर एंटर। तो
तो यहाँ पर से देखिए टोटल यहाँ से इसका सम आ गया कि जो इतना अमाउंट है यह टोटल हमें पार्टी से लेना है। सपोज एक पार्टी जो आपसे कि एक अमाउंट आपको पे कर रहा है जिसमें आपसे 4 फैन, 12 रेडियो, 8 TV, 12 दो AC और 14 कीबोर्ड खरीदे हैं, तो फिर इसके में आपको इसने इतना अमाउंट आपको पे किया है, तो आपको GST के साथ में इतना अमाउंट आपको पे कर रहा है। तो दोस्तों ये आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझको आप कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू।